आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस सुनन्तु सङ्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सप्पे सत्तकं मसकतं मदायदकं मयोनिकं मबन्धुकं मपतिशरणं कं मङ्करिषन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदायदा हविषति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष ऑनलाइन धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेषतः बौद्ध जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत बार आते ही रहने वाले कम्म सिद्धांत के विषय में बात कर रहे हैं। कम्म और कम्म विपाक के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये कम्म कम्म फल को जानने से पहले हम एक प्रसंग से शुरू करते हैं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक शुभ नामक मानवक आते हैं और वो शुभ मानवक आके तथागत बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे इंसान हैं, मगर इतने सारे इंसान होने के बावजूद भी सब एक समान नहीं है। क्यों? अगर इंसान है तो एक समान होना चाहिए, कोई भी एक समान नहीं है। क्यों? देखा जाए तो यहां इंसानों के भी कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई जल्दी मर जाते हैं, कोई लंबे समय तक जीते हैं। अगर इंसान है तो एक समान क्यों नहीं है? इस दुनिया में कोई एकदम निरोगी है और कोई बहुरोगी है, किसी को बीमारी नहीं और कोई बीमारी से इतना परेशान, तो इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? फिर कोई दिखने में
इतने अच्छे दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, और कोई दिखने में इतना घिनौना, इतना दुर्वर्ण दिखते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही अल्प भोगी है, कोई महाभोगी है, कोई नीच दरिद्र गरीब है, और किसी के पास इतना उतना पैसा है वो भी पता नहीं, बहुत ही धनवान है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? और कोई कोई नीच कुलीन है, कोई कोई उच्च कुलीन है। देखो ना, जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है किसी किसी को, और कोई कोई जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है। इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही निर्बुद्धि है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख स्वभाव का अज्ञानी स्वभाव का रहता है, और वही बहुत ही विद्वान रहता है। इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? शुभमानव तथागत बुद्ध के पास आके यही प्रश्न करते हैं, दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, मगर इंसान इंसानों के भी एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? उस समय तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए, शुभ मानव के प्रश्न के जवाब देते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्मस का कम्मदाया कम्मयोनि कम्म बंदो कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदा यदा भविष्यति। महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं, सबे सत्ता कम सका, ये जो भी हो रहा है, वो जैसा भी हो रहा है, वो जिस तरह भी हो रहा है, अपना अपना कम ही है। कम बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, इसे कम कहते हैं। जो जैसा कम करके आया वैसा ही परिणाम भुगतते हैं। इसलिए दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान न होने का कारण यही कम है। अपनी अपनी कम की वजह से ही इंसान कोई अल्पायु, कोई दीर्घायु, कोई निरोगी, कोई रोगी, कोई गरीब, कोई धनी, कोई अच्छे, कोई दिखने में घिनौना, ये जो जैसा भी हो रहा है, सबे सत्ता कम सका, अपनी अपनी कम की वजह से है। तथागत बुद्ध कहते हैं, कम दायादा कम ही अपना अंशियार है। जिस तरह माता पिता के संपत्ति में बच्चों का अधिकार लगता है ना, उसका अंशियार बनता है, उसी तरह जो हमने कम करके आया उसका ही हम अंशियार बनते हैं, उसका ही हम भोग करते हैं। कम योनि कम की वजह से उसका जन्म होता है। कोई अच्छे जगह पे जन्म होता है, कोई बुरे जगह पे जन्म होता है, कोई दरिद्र परिवार में जन्म होता है, कोई महाधनी परिवार में जन्म होता है, कोई सामान्य जनता होके जन्म होता है, कोई राज परिवार में जन्म होता है। तो जन्म होने का प्रमुख कारण भी यही कम है। कम बंधु हमारी सच्चे बंधु भी कम है। अपनी कम अच्छा रहा, अपनी चरित्र अच्छा रहा, तो दुनिया भर के लोग अपना है, अपने बंधु है। मैं
कौन से दुनिया के कोने में जन्म हुआ, आप लोग कौन से जन्म दुनिया के कोने में जन्म हुआ, ये मायने नहीं रखता। अगर आपकी स्वभाव अच्छा है, मेरी स्वभाव अच्छा है, तो वो अपना बंसा होता है, ये बंधु जैसा होता है। अगर कर्म अच्छा नहीं रहा, ये कि माँ के पेट से जन्म हुए, भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। इसलिए कम बंधु, कम पति शरणा, हमारा सही शरण भी कम ही है। वैसे कहने को तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाते हैं। मगर बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, मगर कम से कुछ हम करते नहीं, न बुद्ध का अनुसरण करते हैं, न धम्म का पालन करते हैं, न संघ के अनुयायी बनते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपना चरित्र अच्छा नहीं करते, तो वह शरण से भी हमारे उतने कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हमारी कम ही अच्छा होना चाहिए। हम तथागत बुद्ध को वंदना करते हैं ना, बुद्ध हम पूजा करते हैं, मगर कैसे पूजा पूजा करते हैं? इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्या बुद्धं शरणे, बुद्धं पूजे में, कि धम्म अनुसार धम्म आचरण करके हम बुद्ध को पूजा करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्या धम्मं पूजे में, धम्म अनुसार धम्म को आचरण करके धम्म को पूजा करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्या संगं पूजे में, धम्म अनुसार धम्म आचरण करके संघ को पूजा करते हैं। बताओ, धम्म संघ को पूजा करते हैं, आचरण करके, धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इसलिए ये कर्म अच्छा होना चाहिए, आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वही हमारा सच्चा शरण है। तथागत बुद्ध कहते हैं, यं कम्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा काम करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे कल्याणकारी काम करो चाहे पापकारी काम करो, तस् दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है, वो वैसा ही उसका दायाद बनता है, अंशयाद बनता है। यहां शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं, दुनिया में इंसान इंसानों के भी एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, सभ्य सत्ता कम सका, ये जो जैसा भी हो रहा है कम की वजह से ही है, कम से ही उसका जन्म होता है, कम ही उसका दायाद है, कम ही उसका बंधु है, कम ही उसका शरण है। जो जैसा कम करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, वो उसका दायाद बनता है, अंशयाद बनता है, भागीदार बनता है। महाकाव्य तथागत बुद्ध के ये गाथा, जो तथागत बुद्ध के जवाब सुन के शुभ मानव कहते हैं, भगवान अभी भी मैं ठीक से समझा नहीं, कृपया थोड़ा विस्तार से समझाइए। उस समय महाकाव्य तथागत बुद्ध ने ये शुभ मानव को खूब अच्छे से, कैसे कम करने से कैसे विपाक आता है, ये इंसान इंसान होके एक समान ना होने की वजह क्या है, उसके विषय में खूब अच्छे से बताते हैं। और ये तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश मूल पाली त्रिपिटक में आता है, ये बुद्धवाणी है ना, बुद्धवाणी बोले तो तथागत बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जो भी भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए उपदेश दिए, उन सारे उपदेशों को धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, बाद में यही धम्म और विनय से त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। ये त्रिपिटक बोले तो सुतपिटक,
विनय पिता अभिधम पिता ये तथागत बुद्ध के वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। कहते हैं 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना त्रिपिटक में संग्रहित है, जिसमें 82,000 धम्म स्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने देशना दिया हुआ है, और बाकी के 2,000 धम्म स्कंद तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के जो दुख मुक्त अर्हत हो चुके तथागत बुद्ध के श्रावक संघ, चाहे वो सारी पुत्र मोद कल्याण हो, अनिरुद्ध महाकाश्यप हो, चाहे खेमा उत्पल मरना भिक्षुनी हो, ऐसे श्रावक संघ ने दिया हुआ उपदेश। तो इस तरह 84,000 धम्म स्कंद संग्रह ये त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध वाणी है। तो ये त्रिपिटक के ये शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटकों में पहला पिटक शुद्ध पिटक। ये शुद्ध पिटक में भी प्रमुखता 5 निकाय ग्रंथ है, दीर्घ निकाय, मजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये 5 ग्रंथों में जो दीर्घ निकाय बोले तो तथागत बुद्ध के लंबे लंबे धम्म देशना सूत्रों का संग्रह, मजिम निकाय बोले तो मध्यम प्रकार के धम्म देशनाओं का संग्रह, संयुक्त निकाय बोले तो संयुक्त करके संग्रह किया हुआ, वो चाहे नाम के हिसाब से हो, चाहे जगह के हिसाब से हो, चाहे धम्म देशना के हिसाब से हो, वो संग्रह किया हुआ ये संयुक्त निकाय ग्रंथ। अंक के हिसाब से तथागत बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया हुआ ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और खुदक निकाय ग्रंथ बोले तो स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले छोटे छोटे 15 ग्रंथों का संग्रह ये खुदक निकाय। तो ये 5 निकाय ग्रंथों में दूसरा ग्रंथ ये मजिम निकाय ग्रंथ। तो मजिम निकाय ग्रंथ के चूल कम्म विभंग सूत्र के एक तथागत बुद्ध के उपदेश आते हैं, तो वही चूल कम्म विभंग सूत्र में तथागत बुद्ध ने ये शुभ मानव को अच्छे से समझाया हुआ, वो कम्म और कम्म विभाग के विषय में अच्छे से संग्रह हुआ है। तो हमें चूल कम्म विभाग, चूल कम्म विभंग सूत्र देखना है, पढ़ना है, तो कहाँ देखना है? त्रिपिटक के, शुद्ध पिटक के मध्यम निकाय ग्रंथ में देखना पड़ेगा। अभी शुभ मानव, ये शुभ मानव से पहले और थोड़ा प्रसंग हम आगे का भी देखेंगे। शुभ मानव के पिता तोदय ब्राह्मण, श्रावस्ती नगर के एक तनादे ये ब्राह्मण तोदय, इतने पैसा है, करोड़ों करोड़ धन है, मगर मन से बहुत ही कंजूस, कभी दान नहीं देता। अरे ये दान खुद तो देता नहीं, नहीं दूसरों को भी नहीं देने लगा दे, लोगों को धम्म देश नहीं देते, सिखाते हैं कि देखो कितने भी भरे हुए बर्तन क्यों ना हो, सुई जितना भी छेद हो गया तो वो पानी सब निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। वैसे ही ये दान देने की आदत हो गया तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए दान देना नहीं चाहिए, धन संपत्ति संग्रह करना चाहिए, बचाना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही उपदेश देते, लोगों को भी सिखाते और खुद तो बिल्कुल दान नहीं देते। वही श्रावस्ती नगर जहां तथागत बुद्ध रहते हैं, वही श्रावस्ती नगर में जेतवन बुद्ध विहार है, जो अनाथ पिंडिक महाजन ने सो उन समय में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके विहार बना के दान दिया, और वही श्रावस्ती नगर में पूर्वाराम विहार है, जो विशाखा महाउपासिका ने खुद का गहना तथागत बुद्ध को दान देके, वो महालता प्रसादन गहना दान देके उसका 9 करोड़ धन खुद नहीं रख के उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके वो पूर्वाराम विहार दान दिया,
और वो श्रावस्ती नगर तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया। तथागत बुद्ध कहीं भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, वापस फिर वही श्रावस्ती नगर में आते हैं। और वहां इतने सारे भिक्खु भिक्खुनिया है, तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारे पुत्र मोद कल्याण है, तथागत बुद्ध के अशीति महाश्रावक वहां है। एकदम सक्षम भिक्षु भिक्षुनी श्रावस्ती नगर में भर पड़ा है, पर ये तो दैय ब्राह्मण न किसी की बात सुनता है, न किसी से मुलाकात करते है, न किसी से धम्म चर्चा करते है, न किसी को थोड़ा ही दान देते है, कभी दान नहीं देते, सिर्फ धन संभाल के संभाल के संभाल के रखते। अभी यही तो दैय ब्राह्मण जब जब वो मर गए, अभी इंसान है हमेशा थोड़ी ना जिंदा रहते, एक ना एक दिन तो मरना ही है। दुनिया में जो भी उत्पन्न होता है, जो जितना भी उत्पन्न होता है, एक दिन तो वो विनाश होता ही है। जो भी जन्म होता है, एक दिन को उसको मरना ही है। तो ये ब्राह्मण भी मर गए। जब तो ये ब्राह्मण मर गए तो धन के आसक्तता की वजह से, धन के लोभ की वजह से कहते हैं उसी घर में कुत्ता होके जन्म हो गया, कुत्ता। और वो घर में अभी सेंट बन के उसके पुत्र शुभ मानव का, तो शुभ मानव ने वो पुत्र वो कुत्ते को बहुत ही लाड प्यार से रखा, जहां सोते हैं वहीं रखना, साफ सुथरा रखना, अच्छे से अच्छे खाना देना, बहुत अच्छे से वो कुत्ते को घर में ही रखा। एक दिन ऐसे समय आ गया कि तथागत भगवान बुद्ध भिक्षा धन को निकले तो वही रास्ते से, वही घर के नीचे से भिक्षा धन निकल रहे थे, और तथागत बुद्ध को देख के वो जो कुत्ता है तथागत बुद्ध को देख के खूब भौंकने लगे। उस समय तथागत बुद्ध वो कुत्ते को कहते हैं, हे तो दैया, जब तक तुम जिंदा थे, इंसान थे, तब भी मुझे सहा नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया, और अभी कुत्ता होने के बाद भी मुझे सहते नहीं। ऐसा कहने पर वो कुत्ता, अरे बुद्ध ने मुझे पहचान लिया, वो वहां से अंदर गया और जहां राख है, गंदगी है, वहां पे लुटपुट करके वहीं बैठा रहा। तथागत बुद्ध वहां से अपने विहार में चले गए, और शुभ मानव का जैसे ही घर में आए तो अपने प्यारे से कुत्ते को नहीं देखा, यहाँ वहां ढूंढा नहीं मिला, तो काम करने वालों से पूछते हैं कि कुत्ता कहाँ है, तो वो तो ये ऐसे रात में गंदगी में इस तरह लुटपुट करके बैठे, अरे इतना अच्छे से रखा, इतना साफ सुथरा रखा, अचानक से क्या हो गया, क्यों ऐसे किया। तो जिसने तथागत बुद्ध को देखे, उन लोगों ने कहा, आज तथागत बुद्ध यहाँ से आए थे, कुत्ते भौंक रहा था, तथागत बुद्ध ने आपके पिताजी का नाम लेके ये कुत्ते के ऊपर कुछ कह दिया, इसलिए इस तरह कर रहे थे। तो ऐसा कहने पर शुभ मानव को बहुत ही गुस्सा आया, अरे मेरे पिताजी इतने करोड़ों करोड़ धन संपत्ति के मालिक कहां मरने के बाद ब्रह्मलोक में राज कर रहे होंगे, ब्रह्मलोक में पहुंच गए होंगे, और ये बुद्ध ये कुत्ते को मेरे पिताजी का नाम लेके बदनामी कर रहे हैं, ऐसा भी करते हैं क्या। चलो ये बुद्ध को मिलते हैं, बुद्ध से बात करते हैं। वो तथागत बुद्ध के पास आते हैं और ऐसे 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 आपने क्यों कहा, वो सारी बातचीत करते हैं। उस समय तथागत बुद्ध ने वो शुभ मानव को इतना ही कहते हैं, हे शुभ मानव, तुम्हारे पिताजी ने कितने कितने धन संपत्ति जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, कभी तुम्हें बताया क्या। शुभ मानव कहते, नहीं ऐसी जानकारी तो कभी दिया नहीं। तो जाओ,
वो कुत्ते को खूब अच्छे से उसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे से उसको जो पसंद आए खाना खिलाओ, और प्यार से खपखपाते हुए पूछो, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ लाद के रखा, एक बार पूछ के देखो दिखा देगा कि नहीं। तो सुबह मानव को लगा, अरे मेरे पिताजी ब्रह्म लोग गए होंगे और कहां कुत्ते हो गया करके बोल रहे, ये तो संभव ही नहीं। फिर भी ठीक है, अगर बुद्ध ने जैसा कहा कि वो कुत्ते ने दिखा दिया तो धन संपत्ति मिलना ही है, अगर वो धन संपत्ति ना भी मिला तो तथागत बुद्ध की बदनामी कैसे करना है हमें पता है। वो गया घर के तरफ, जैसे तथागत बुद्ध ने कहे वैसे ही कुत्ते को खूब अच्छे से नहलाया धुलाया साफ सुथरा किया, अच्छी जगह पे रखे, उसको जो जो पसंद है वो खाना खिलाया, फिर ऐसे थपथपाते हुए शरीर को ऐसे प्यार से करते हुए पूछते हैं, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाट के रखे। ऐसे सुनने के बाद पहले तो इतना आंखें करके शुभ मानव के तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक जगह जाते हैं और जमीन को खोल के दिखाते हैं। फिर शुभ मानव ने लोगों को लगा के वहां खोलने को कहा और देखते हैं वहां इतना सारा धन संपत्ति गाड़ के रखा हुआ मिला कि वो देख के आश्चर्य हो गया, इतने धन संपत्ति के मालक मेरे पिताजी ब्रह्मलोक नहीं गए, कुत्ता होके जन्म हो गया। ओहो, फिर वो शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके ऐसा प्रश्न करते हैं, दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है। फिर तथागत बुद्ध जवाब देते हैं, इन सभी का कारण कर्म ही है, कर्म की वजह से ये सब होता है, कर्म ही उसका दायाद है, कर्म ही उसका जन्म का कारण है, कर्म ही उसका बंधु है, कर्म ही उसका सच्चा शरण है। जो जैसा कर्म करता है, चाहे कल्याणकारी करो चाहे पापकारी करो, वो वैसा ही भुगतता है। तो फिर तथागत बुद्ध की ये गाथा ये जवाब सुन के शुभ मानव कहते हैं, भगवान अच्छा होता कि आप थोड़ा सा विस्तार में बताए। तथागत बुद्ध जो शुभ मानव को विस्तार से इसके विषय में बताते हैं, वो मध्यम निकाय के चूल कम विभंग सूत्र में उल्लेख हुआ है। आइए हम यहाँ संक्षिप्त में इसकी जानकारी लेते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और हमारे लिए जानने लायक भी है। तो ये तथागत बुद्ध के ये उपदेश, इसका संक्षिप्त में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अल्पायु हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दीर्घायु हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ है ना बहुत सारे लोग, कोई तो माँ के पेट में ही मर जाते हैं, कोई तो जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई तो बाल्यकाल में ही मर जाते हैं, कोई जवानी में मर जाते हैं, कोई अर्ध वयस्क में मर जाते हैं, और कोई वयोवृद्ध होके मर जाते हैं। तो कोई अल्पायु होता है कोई दीर्घायु होता है, इसका कारण क्या है? महाकारण एक तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति वो अल्पायु होता है, जल्दी मर जाते हैं। मगर जो व्यक्ति दूसरों को दुख कष्ट नहीं पहुंचाता, हिंसा नहीं करता, मैत्री करुणा रखता, वो व्यक्ति
दीर्घायु होता है। देखो ना, यहां हम किसी को मारेंगे तो वो भी हमें मारेगा, हम किसी को गाली देंगे तो वो भी हमें गाली देगा, हम किसी को जान से मारेंगे तो हमको जान से मारने वाले वहां कोई ना कोई आ ही जाता है। हाँ, तो इसलिए अगर हम किसी को दुख देंगे, कष्ट देंगे या हिंसा करेंगे तो हमें भी वही टेंशन या वही चिंता लगा रहता है, कहीं मुझे भी कोई मार न दे, कोई मुझे भी दुख कष्ट न दे, और इस वजह से वो जल्दी मर जाता है या उसका जल्दी ही ज्ञान चला जाता है। अभी देखो ना, हम कभी कभी बड़े बड़े मूवी भी देखते हैं ना, जो दुनिया को मारने वाले, हिंसा करने वाले, कितने भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, कितने भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, मगर वो बुढ़ापे तक नहीं जीते, किसी न किसी के हाथों, किसी न किसी के गोली की वजह से या शस्त्र अस्त्र की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से उसका भी जान जल्दी जाता ही है। इसलिए हम किसी को हिंसा करेंगे, मारेंगे तो उसका आयु अल्पायु होता है, और जो इंसान दूसरों को हिंसा नहीं करता, नहीं मारता, मैत्री करुणा रखता है, उन लोगों का आयु लंबी रहते हैं, दीर्घायु होता है। तो हमें लंबी समय तक जीना है, निरोग होके जीना है, तो किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को भी हिंसा नहीं करना, ये महाकारणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अल्प रोगी है या निरोग है, स्वस्थ है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहु रोगी है, हमेशा बीमार गिरते रहते हैं, अनेक अनेक रोग से रोगी है, रोग से दुखी है, इसका कारण क्या है? तो महाकारणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को मैं उसको दुख दूंगा या मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा करके चेतना से उसको दुख देगा, कष्ट देगा, या उसको एकदम कॉन्शियस होके, एकदम चेतना से, मनसाय से किसी को दुख पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बीमार होते हैं। और कोई भी किसी को भी हम ये चेतना से दुख कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, मनसाय से मैं उसको दुख ही दूंगा, मैं उसको शोष नहीं करूंगा, मैं उसको यातना ही दूंगा करके, इस तरह से कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ऐसे लोग स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। तो हमें निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो किसी को भी दुख देने की मनसाय नहीं करना, किसी को भी शोषण करने की मनसाय नहीं करना, चेतना से किसी को भी दुख कष्ट नहीं देना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई दिखने में ही कितना घिनौना रहता है, बहुत ही दुर्वर्ण, और कोई कोई देखने में इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, जितना देखो मन ही नहीं भरता। तो इंसान इंसान होके ये विविधता क्यों, कोई अच्छे दिखना, कोई बुरे दिखना, इसका कारण क्यों? तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा क्रोधित होता है, जो चिड़चिड़ा करता है, ऐसे व्यक्ति ये दिखने में बहुत ही बुरे दिखेंगे, घिनौना दिखेंगे। और जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति दिखने में भी खूब सुंदर और अच्छे रूप के होंगे। तो
हमें अच्छे दिखना है या बुरे दिखना है? अच्छे दिखना है तो ऐसे चिड़चिड़ा नहीं करना, ऐसे गुस्सा नहीं करना, ऐसे क्रोधित होके नहीं बैठना, छोटी छोटी बातों पे दूसरों से कलह झगड़ा करके नहीं बैठना। अगर नहीं, आप दिखने में कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घिनौना ही दिखना है, मुझे एकदम बदसूरती दिखना है, तो कितना भी चिड़चिड़ा करो करते जाओ, कितना भी गुस्सा करो क्रोधित करो, कौन रोकेगा? आप अपने मालक खुद है। अत्ता ही अतनो ना, तो तथागत बुद्ध भी कहते खुद के मालक हम खुद ही है। इसलिए अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, चिड़चिड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अगर नहीं बुरा दिखना है, घिनौना दिखना है, तो चिड़चिड़ा करना, क्रोधित होना। फिर महाकाव्य तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई बहुत ही कमजोर रहता है और कोई बहुत ही बलवान है ना। कोई तो ऐसे रहता है कि फूंक या तो गिर जाएंगे जैसे, और कोई कोई इतना ताकतवर कि ट्रक को खींच के लेके जाता है, गाड़ियों को खींच के लेके जाता है, इतना शक्तिशाली। तो इसका कारण क्या है? तो महाकाल ने तथागत बुद्ध कहते हैं, जो दाह ईर्ष्या करने की स्वभाव रखते हैं, ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है। और जो दाह ईर्ष्या नहीं करते, मुदिता भाव से प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। हमें दाह ईर्ष्या करने की स्वभाव है कि नहीं? हम दूसरों के अच्छे चीज को देख के जलते हैं कि नहीं? हम उनकी बुराई करते हैं कि नहीं? अगर हम ऐसे दाह ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम कमजोर होने की रास्ते पे चल रहे हैं। हमें बलवान होना है, शक्तिशाली होना है, तो ऐसी दाह ईर्ष्या से दूर होना है, दूसरों के उन्नति प्रगति में भी मुदिता भाव से प्रसन्न होना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई तो बहुत ही अल्पभोगी, दरिद्र, गरीब रहता है। सुबह खाया तो दोपहर को खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, दोपहर को मिला तो रात को मिलेगा नहीं मिलेगा, रात को खाने को मिला तो कल क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इतने दरिद्र गरीब भी यहाँ रहता है। और कोई कोई इतना महाभोगी रहता है, कुछ इच्छा किया परिपूर्ण, हर चीज ज्यादा ज्यादा ही है, बहुत ही तनाते, बहुत ही पैसे वाले, इसका कारण क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देते रहते हैं, और दान भी निस्वार्थ भाव से देते हैं, और वो दान भी श्रद्धा चित्त से देते हैं, त्याग चित्त से देते हैं, ऐसे व्यक्ति एकदम महाभोगी रहता है, भोग संपत्ति धन संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। मगर जो व्यक्ति दान नहीं देता, हमेशा कंजूसी बना करते हैं, हमेशा लोभी होते हैं, हर चीज मेरा 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 मेरा, मुझे 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 करके पकड़ के बैठते हैं, लोभ लालच में ही रहते हैं, ऐसे व्यक्ति दरिद्र गरीब होता है। दान देने से ही महाधनवान होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने एक समय इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो सारे इंसानों को दान देने के हिसाब में हिसाब से चार प्रकार के ही है, ऐसा बताया है। एक है जो खुद दान देते हैं, दूसरों को दान नहीं दिलाते। दूसरा है जो खुद नहीं देते मगर दूसरों को दिलाते हैं। तीसरा है खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते। चौथा है खुद भी देते हैं, दूसरों को भी समझा समझा के दिलाते हैं। ये चार प्रकार के लोग हैं। फिर तथागत बुद्ध इसके कर्म विपाक बताते हैं। जो व्यक्ति खुद दान देते हैं
वो पुण्य के अनुभव से भोग संपत्ति तप दान संपत्ति मिलता है, मगर दूसरों को नहीं दिलाया उसको परिवार संपत्ति नहीं मिलता, दुनिया में अकेले अकेले जीना पड़ेगा। और जो व्यक्ति खुद दान नहीं देता इसलिए उसको दान संपत्ति नहीं मिलता, दरिद्र गरीब होगा, और दूसरों को दान दिलाते हैं इसलिए उसको परिवार संपत्ति मिलेगा, अपने लोग रहेगा। जो व्यक्ति खुद भी दान नहीं देता दूसरों को भी दान नहीं दिलाता, ऐसे व्यक्ति को दान संपत्ति भी नहीं मिलता, परिवार संपत्ति भी नहीं मिलता। और चौथा, जो खुद भी दान देता है दूसरों को भी दान दिलाता है, ऐसे लोगों को दान देने की वजह से दान संपत्ति भी प्राप्त हो गया और दूसरों को दान दिलाने की वजह से परिवार संपत्ति भी प्राप्त हो गया। तो हमें दान है परिवार नहीं अकेला है तो वो भी ठीक नहीं, परिवार है दान संपत्ति नहीं है तो वो भी ठीक नहीं, दान भी नहीं परिवार भी नहीं ये तो और ठीक नहीं। पर जो जिसके पास धन संपत्ति भी है और अपनों का भी साथ है तो वही श्रेष्ठ उत्तम है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से हमें भी दान देना है और लोगों को समझा बुझा के उन लोगों को भी दान दिलाना है, उसी से धन संपत्ति भोग संपत्ति भी प्राप्त होगा, परिवार संपत्ति भी प्राप्त होगा। इसलिए यहां जो व्यक्ति दान देता है वो धनाढ्य होगा धनवान होगा, मगर जो व्यक्ति दान नहीं देते वो व्यक्ति गरीब दरिद्र होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में कोई कोई नीच कुलीन रहता है, कोई कोई उच्च कुलीन रहता है, कोई कोई ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां जो आधारभूत आवश्यकता भी परिपूर्ति नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाने नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को छत नहीं, इतना मुश्किल होके जीना पड़ता है और किसी के पास हर तरह की बातें हैं, एकदम उच्च रूप में हर किसी का वाहवाही और सलामी लेके जीते हैं, तो ऐसे नीच कुल और उच्च कुल क्यों होना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अहंकार करता है, जो व्यक्ति अभिमान करता है और अहंकार अभिमान की वजह से दूसरों को एकदम अपमान करके बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति नीच कुल में जन्म होता है। और जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता अभिमान नहीं करता दूसरों को अपमान नहीं करता ऐसे व्यक्ति उच्च कुल में जन्म होता है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना अभिमान नहीं करना, अहंकार अभिमान आया तो दूसरों को एकदम तुच्छ समझते हैं, अपने से बहुत ही नीच समझते हैं, एकदम अपमान करके बोलते हैं और इसकी वजह से हम भी नीच कुल में जन्म हो गया। इसलिए किसी को भी अपमान नहीं करना, अहंकार अभिमान नहीं करना, हर चीज में सब लोग समान है ऐसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, इसी से हम उच्च कुल में जन्म हो पाएंगे। फिर अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में कोई निर्बुद्धि रहता है, मूर्ख अज्ञानी रहता है और कोई कोई बुद्धिवान रहता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बहुत ही स्कॉलर विद्वान रहता है, पंडित रहता है, तो इसका कारण क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे श्रमण वृक्षों के उपदेश सुनते हैं, उन लोगों की धर्म देशना सुनते हैं और जो भी मन में शंका उपशंका है उसका प्रश्नोत्तर भी करते हैं या पूछते हैं, ऐसे अच्छे व्यक्ति की संगत करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान रहता है। और जो अच्छे व्यक्तियों का संगत नहीं करते, बुरे बुरे लोगों का ही संगत में एकदम खुशी होके बैठते, ऐसे व्यक्ति मूर्ख रहेगा, अज्ञानी रहेगा,
दुर्बुद्धि रहेगा। तो हमें बुद्धिमान बनना है, पंडित बनना है, विद्वान बनना है। उसके लिए हमें अच्छे व्यक्तियों का संगत करना है, श्रमण वृक्षों के उपदेश सुनना है, ऐसे उपदेशों को पढ़ना है, जानना है, देखना है। तो ऐसा करते करते जाएंगे तो हम भी बुद्धिमान पंडित बनेंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह से इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका खुद का कर्म ही वैसा है। किसी ने अच्छा कर्म करके आया इसलिए उसको अच्छा परिणाम मिल गया, किसी ने बुरा कर्म करके आया इसलिए उसको बुरा ही कर्म मिल रहा है, किसी ने दान देके आया उसको धन संपत्ति मिल गया, किसी ने दान नहीं किया लोभ लालच करके आया वो दरिद्र गरीब हो गया। इसलिए इस दुनिया में जो जैसा जिस तरह भी है वो अपनी अपनी कर्म की वजह से है। सबे सत्ता कर्म सका, ये जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है ये कर्म की वजह से है। अभी यहां सब कुछ हो रहा है कर्म की वजह से है तो हम हाथ बांध के बैठेंगे क्या कि जो भी हो रहा है कर्म की वजह से हो रहा है तो हमें क्या करना है? हम जो भी मेरा होना है वो तो कर्म ऑटोमेटिक करवा ही देगा करके शांत बैठना है क्या? नहीं, वो तो पहले कर्म वैसा करके आया इसलिए वो बनने से हम नहीं रोक पाएंगे। मगर अभी क्या बनना है कैसे बनना है ये हमारे हाथ में है। पहले क्या होके गया क्या करके आया वो हम करेक्शन नहीं कर सकते। भविष्य जैसा हम वर्तमान करेंगे भविष्य वैसा ही होगा, पर भविष्य हम देख नहीं सकते। मगर ये वर्तमान हमारे हाथ में है। हम चाहे तो खूब सारा पुण्य धम्म करके बहुत सुख शांत में जीवन जी सकते हैं। हम चाहे तो तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से समझ के अच्छे से अभ्यास करके दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापति सकितागामी अनागामी अर्थ फल प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहे तो दुनिया भर के गलत काम करके अकुशल करके पाप कर कम करके केवल मौज मज्जा में ही जीवन यापन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम दुर्गति में पतन हो जाएंगे। मतलब वर्तमान समय हमारे हाथ में है। अभी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही देखो। आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में लिया जाता है। भारत के संविधान के निर्माता वो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मगर उनका जन्म कौन से हालत में रहा, कौन से समाज में वो पले बड़े, वो पानी पीने के लिए कितना समस्या था, पढ़ाई करने के लिए कितना समस्या था, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा कर्म किया, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया। आज न केवल वह स्वतंत्र हो गए अपने लाखों करोड़ों लोगों को भी मानवता का शिक्षा देके गए, स्वतंत्र जीवन देके गए और इतना अच्छा महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म देके गए। मतलब हम ये वर्तमान समय में कितना भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा किया तो अच्छा ही परिणाम आएगा, और कितना भी बुरा कर सकते हैं, बुरा किया तो बुरा परिणाम आएगा। इसलिए ये तथागत बुद्ध के कर्म सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा ही आएगा। वो कर्म का ही अमंशिया है। और कर्म फल कर्म विपाक का सिद्धांत क्या है? पहले हमने अच्छा करके आया अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा।
पहले हमने कुछ बुरा करके आए इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। ये कर्मफल सिद्धांत है, मतलब जो जैसा हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन वैसा ही आएगा। हम किसी को अच्छे व्यवहार करेंगे वो भी अच्छे व्यवहार करेंगे, हम किसी को चिड़चिड़ा हो के व्यवहार करेंगे तो वो चिड़चिड़ा भी हो तो हमसे एकदम प्यार से बात करेंगे ऐसा संभव नहीं, वो भी चिड़चिड़ा हो के बात करेगा, वो भी गुस्से से बात करेगा। ये है जैसा हम करते हैं वैसा ही परिणाम आता है, ये कर्म और कर्मफल। आज का हमारे स्नान यही समापन करते हैं। हम भी महाकाल ने कथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के, अच्छे से व्यवहार में पालन कर सके, अच्छे कर्म कर सके और ढेर सारा अच्छे कर्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धर्म देशना यही समापन करते हैं। और धर्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं, आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, हमेशा अच्छे पुण्य धम्म और अच्छे कुशल कर्म करते करते आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सपीतियो विवचन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुकीर्तिकायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते एचितं पाचितं तुल्यं गिप्पमेव समेचतु सभे पुरेन्तु चेतसं कपाचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पाति सर्गसम्पातिमेव च अतो निम्बानसम्पाति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।